मामा का ऑफिस आ गया सर। हाँ सिमी बोलो। मामा मैं आपके ऑफिस के नीचे से बोल रही हूँ, राहुल सर मेरे साथ आए हैं, मैं उन्हें आपके पास भेज रही हूँ, मैं और रीमा फिल्म जा रहे हैं। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो। ओके बाय मामा। बाय। Hello. Yes sir. What can I do for you? Hi, I'm Rahul Kapoor. मैं यहाँ मिसेस मेहरा से मिलने आया हूँ। Can you please? Just a minute, sir. Yes sir. Yeah. हाँ. हाँ बोलो। मैम कोई मिस्टर राहुल कपूर आपसे मिलने आए हैं। हाँ। उनसे कहो कि इस वक्त मैं मीटिंग में बिजी हूँ। वो मुझे घर पर आकर मिले। हेलो, कोई है? हाय। हेलो। यू मस्ट बी राहुल कपूर। यस मैम। तो तुम सिमरन की डांस टीचर हो? जी मैम, सिमरन ने आपको बताया ही होगा। ओह या, शी टोल्ड मी। सुना है तुम अपनी एकेडमी खोलना चाहते हो? जी हाँ, और ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं। सो व्हाट, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह थैंक यू मैम। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आज मैं तुम्हारे काम आऊंगी, कल तुम मेरे काम आओगे। ऑफ कोर्स मैम। ये मैम मैम क्या लगा रखा है? मेरा नाम प्रीति है, प्रीति। ओके बट हाउ कैन आई? Oh, come on. क्या पियोगे? Champagne, vodka या फिर wine? Thank you, ma'am. वो मैं drink नहीं करता. Really? बैठो. Thank you. सिमरन कह रही थी कि आपकी काफी बड़े लोगों से जान पहचान है. सिर्फ जान पहचान नहीं, फैमिली टच है। और ये तुम्हारे डांस क्लास के बारे में जो सिमरन ने कहा मुझसे, मैं ये काम चुटकियों में कर सकती हूँ। वाओ। सच बताऊं? जब सिमरन ने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें देखा तो ये इसका मतलब आप मुझे ऑफिस में देख चुकी थी। ऑफ कोर्स। तो फिर ये यहाँ मिलने का बहाना? बहाना नहीं बनाती तो तुम यहाँ कैसे आते? समझ रहे ना तुम? हाँ। You're so handsome. ये आप क्या कर रही हैं आप? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? I really like you. क्या हुआ? Excuse me, ma'am. मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ओह कम ऑन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ जिगलो। हाय सर, मैं आपके फोन का वेट कर रही थी। आप मिले ना मम्मा से? कैसा रहा? हेल मामा, आपने ऐसा क्यों किया? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सच है। What's the problem? Just chill. मामा प्लीज, कम से कम ये तो सोचा होता कि वो आदमी मेरा टीचर है। वो आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तुम्हें मालूम है उसने मुझे सीरियस करने की कोशिश की, और जब मैंने उसे डांट दिया तो
वो भागा भागा तुम्हारे पास चला गया और तुम्हें ये कहानी सुना दी। What a smart man. मैं राहुल सर को अच्छी तरह जानती हूँ, वैसा काम कभी नहीं करेंगे। ओके, तुम क्या समझती हो? He's a nice man. He's an innocent man. I'm guilty. ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब तो खुश हो ना? You're disgusting, mama. Sir, I'm really sorry, sir. Sorry for what? Sir, mama ने जो आपके साथ किया, I'm really sorry for that, sir. It's okay. उसे बुला दिया मैंने. Sir, और एक बात सर, आप अपने शो के पासेस देने वाले थे. पासेस? वो तो घर पे हैं. कोई बात नहीं सर, आपका घर तो रास्ते में ही है, आपको लिफ्ट मिल जाएगी और मुझे पासेस. Not bad. Maria. मारिया जी, सिमरन ने खाना खाया? नो मैम, वो तो जब से कॉलेज से आई अपने कमरे में बंद है, किसी से बात भी नहीं कर रही। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। सिमरन, ओपन द डोर, ओपन द डोर। सिमरन, सिमी, ओपन द डोर बेबी। सिमी, क्या हुआ बेटा? पापा की याद आ रही है? नो? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ, राइट? तो फिर बोलो ना, तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? बोलो ना सिमी, क्या हुआ? बताओ ना बेटा। I've been raped, mama. What? I've been raped. What? I've really been raped, mama. Simi, किसने किया ये? सुनो, किसने किया ये? किसने किया ये? मेरे डांस टीचर राहुल कपूर ने। सिमरन, I'll kill him. आपका नाम? रीमा भार्गव। आप मुल्ज़िम को पहचानती हैं? जी, वो हमारे कॉलेज में डांस टीचर हैं। यानी सिमरन आपकी क्लासमेट है? सिर्फ क्लासमेट ही नहीं, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मिस रीमा, सिमरन के बयान के मुताबिक बलात्कार से कुछ देर पहले वो आपके साथ क्लास में थी। जी। और आपने मुल्ज़िम राहुल कपूर को उसके साथ में जाते हुए देखा? हाँ। क्या जाने से पहले इन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई थी? जी, सिमरन ने राहुल सर से उनके शो के पासेस मांगे थे। राहुल सर बोले पासेस तो घर पर है, चलो घर से दे देता हूँ। ये झूठ है मिलोर्ड, मैंने इसे चलने को नहीं कहा, ये खुद मेरे साथ। मिस्टर राहुल कपूर, अगर आपने दोबारा बीच में गवाह को टोका तो आप अदालत की कार्रवाई को भंग करने के दोषी पाए जाएंगे। मिस्टर महाजन, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो रीमा, आप कह रही थी कि मुल्ज़िम राहुल कपूर ने सिमरन से कहा कि पासेस घर पे हैं। हाँ, और उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। थैंक यू। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। योर ऑनर, मेरे दूसरे गवाह हैं मुल्ज़िम राहुल कपूर के पड़ोसी मिस्टर महेश गायकवाड़। उस दिन शाम के वक्त मैं अपनी खिड़की पे खड़ा था जब मिस्टर कपूर उस लड़की के साथ अपने घर के बाहर कार से उतरे, फिर वो दोनों अंदर चले गए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद तो मैं सोने चला गया, उठने के बाद यूं ही खिड़की से बाहर झांका तो गाड़ी वहां नहीं थी। आई सी। थैंक यू मिस्टर गायकवाड़। थैंक यू। मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूं जो मुल्ज़िम राहुल कपूर के चेहरे से
उसकी शराफत का नकाब नोच कर इस केस का रुख ही पलट देगा। मिलोर, मेरा अगला गवाह है मिस तानिया मल्होत्रा। मिस तानिया मल्होत्रा हाजिर हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगी वो सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। मिस तानिया जी, सिमरन रेप केस के बारे में आप क्या जानती हैं? जी कुछ भी नहीं, ना मैं वहाँ थी और ना ही मैंने कुछ देखा और ना ही मैंने कुछ सुना। ऑर्डर, ऑर्डर, मैं कंटिन्यू। हाँ, मगर मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगी। जज साहब, सिमरन जो कह रही है वो सच है। ये आदमी वाकई रेपिस्ट है। आप ये किस बिना पे कह रही हैं? क्योंकि जो कुछ भी इसने सिमरन के साथ किया है वही सब कुछ मेरे साथ भी कर चुका है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस तानिया, आपके साथ जो कुछ भी हुआ अदालत को तफसील से बताइए। जी, यही कोई 6 महीने पहले की बात है। मैं भी सिमरन की तरह इनसे डांस सीखा करती थी। उन्हीं दिनों हम सभी स्टूडेंट्स एक कॉलेज टूर पर गए जिसमें मिस्टर राहुल कपूर भी हमारे साथ थे, और तभी एक शाम वॉक के बहाने वो मुझे टूर से काफी दूर ले गए सुनसान जगह पर। पता है तानिया, मैं हमेशा यही सोचता था अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसे इसी सुनसान बीच पे ले जाता। हाँ, सो स्वीट, यू लाइक इट, सो क्यूट, सच। जहाँ इसने मुझे धोखे से कोल्ड ड्रिंक पे कोई नशीली चीज पिला दी, मेरा सर चकराने लगा, मुझे समझ में नहीं आया अचानक ये क्या हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने कुछ कहने के लिए इसकी तरफ देखा तो ये ललचाई नजरों से मुझे घूर रहा था। कुछ कीजिए ना सर, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरी इस हालत का फायदा उठाकर इसने मेरे जिस्म को छूना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मना किया मगर ये आदमी नहीं माना। मुझे इसे पसंद नहीं सर, प्लीज। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, चीखती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही। रुको तानिया। लेकिन जज साहब, मेरी वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट की, सर आप मेरे टीचर हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन साथ में मेरी एक नहीं सुनी। आखिरकार मैं इसकी हवस का शिकार बन गई।